हाय, मेरा नाम है पूर्णिमा और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूट्यूब पर जो पीतल और चांदी के बर्तन या मूर्ति वगैरह जो साफ़ करते हैं, जो हैक्स बताए जाते हैं, वो कहाँ तक सक्सेस हैं, क्या वो वाकई काम करते हैं कि नहीं। व्यूज़ लाने के लिए जो लोग ऐसा करते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे और वो साफ़ हो जाएगा, तो यार ऐसा मत किया करो। वो वाकई में सच हो तो ही अपलोड करो, क्योंकि आज आप देखेंगे कि कुछ हैक्स ने काम किया और कुछ ने नहीं भी किया। तो चलिए वीडियो में चल के देखते हैं। तो शुरुआत करती हूँ सुबह से। देखिए हमारे यहाँ से खूबसूरत नज़ारा सुबह का, सूर्योदय। वक्त है सुबह का, करीब 6:30 बज रहे हैं। ओके, चिड़ियों की कितनी खूबसूरत आवाज़ आ रही है। सूर्योदय का आनंद लीजिए। आज लंच में मैंने कच्चे केले की सब्जी बनाई है। मैंने कभी बताया नहीं आपको, वैसे मेरा एक रेसिपी चैनल भी है जो मैं पिछले 1 साल से चला रही हूँ, तो उसमें मैंने ये रेसिपी पूरी बताई हुई है कि कैसे बनाया है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि सब्जी बनकर इस तरह से तैयार हुई है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सफाई अभियान की। ये एक शू रैक है जो मैंने अमेज़ॉन से करीब 2 साल पहले मंगाई थी, और इसके सारे जो हुक हैं जिससे वो अटैच होते हैं, वो टूट गई है। पूरा कमरा बिखरा हुआ है, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ पीछे की सफाई। कमरों की सफाई हो चुकी है, बस ये पीछे का जो ये पोर्च है जहाँ पर कपड़े वगैरह हम सुखाते हैं, मशीन है और शू रैक है, मुझे इस जगह की सफाई करनी है। अब ज़रूरी बात, आज मैं चांदी और पीतल के भगवान जी और उनके बर्तन वगैरह आज साफ़ करूँगी। ये जो यूट्यूब पर और जो हैक्स वगैरह दिखाए गए हैं ना, आज हम ये देखेंगे कि ये वाकई में ये सक्सेस है कि नहीं है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ये फ्रेश रैप है उसको उबलते पानी में डाला, और उसमें चांदी के जो भी भगवान वगैरह हैं या और उन्होंने पायल वगैरह भी डाली थी, खैर जो भी आपके आइटम हैं चांदी के वो डाल दो। तो मेरे पास हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी और हनुमान जी, ये मेरे पास चांदी के हैं। और मैंने देखिए इस तरह से डाला, और उसके बाद मैंने घिसा भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा विम बार भी लिया, अपना विम लिक्विड, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पानी भी उबल उबल के वो एकदम कम रह गया है। मैंने काफ़ी देर उबाला था, बीच में मैंने पानी बढ़ाया भी, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता, कोई ज़्यादा क्या मतलब, एक थोड़ा थोड़ा सा उसमें वाइट वाइट थोड़ा दिख रहा था, लेकिन ज़्यादा साफ़ नहीं हुए, मतलब मैं कह सकती हूँ केवल 1%। फिर मैंने एक और हैक देखा था जिसमें कि विम लिक्विड में उन्होंने पेस्ट मिलाया था, तो मेरे पास कोलगेट का वाइट वाला था, विजिबल वाइट, हाँ, तो वो मैंने इसमें मिलाया और इन सब के ऊपर भी लगाया, और करीब 2-3 घंटे तक मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये देखिए मैंने अपनी शू रैक को तैयार कर लिया है, और यहाँ लगा दिए हैं मैंने टेपिंग कर दी है ताकि ये मजबूत हो जाएं, क्योंकि जो सारे हुक हैं वो चटक चुके थे। ये इसका कवर है, टडैन, शू रैक तैयार है। अब 2-3 घंटे बाद जब मेरे पीछे की भी सफाई हो गई, अब मैं इसको दोबारा से अब यहाँ रगड़ रही हूँ, लेकिन ये हैक भी बिल्कुल बेकार गया, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो एज इट इज ही थे चांदी के। यार ऐसा वीडियो क्यों बनाते हैं यार, कि जिसमें बताते हैं ऐसा हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। आप देखिए मैंने बिल्कुल ये रियल वीडियो बनाया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हो गया था ये, हाँ, डिनर का टाइम। फिर मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी। मैं फिर से आपको यहाँ पर फाइनल लुक दिखा रही हूँ। जो इसका मेन वीडियो है वो आपको मेरे रेसिपी चैनल पे मिल जाएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फाइनल ये मेरा डिनर हो रहा है। ये मेरी सुबह की थोड़ी सब्जी बच गई थी, उसकी क्या नाम है, कच्चे केले की, ये थोड़ा सलाद और आलू मटर की सब्जी, और मेरी रोटी। चावल मैंने रखे नहीं, वैसे चावल भी खाए थे मैंने। अभी अगला दिन आ गया है, मैं इसको इसी ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ अब, क्योंकि मैंने देखा था कि थोड़ा सा 1% जो पार्ट मूर्ति का वाइट हो गया था, तो मैंने सोचा इसमें और लगा देती हूँ फ्रेश रैप और उबाल देती हूँ।
सुबह का वक्त है और बाहर ये नज़ारा देखने को मिला, कितने क्यूट है ना। तो देखिए आज होगी मेरी मंदिर की सफाई। भगवान जी, ये पीतल के, ये सब मैंने आइटम जो पीतल के हैं ये निकाल लिए हैं, किशन कन्हैया जी को भी ले लिया है, और जो मंदिर है ये भी मेरा काफी काला सा हो जाता है ये धुएं से, रोज रोज धुआं। अब रोज इतनी तगड़ी वाली सफाई तो नहीं होती है, तो आज मैं ये मंदिर पूरा साफ करने वाली हूँ। तो ये भी एक मैं हैक ट्राई कर रही हूँ, जिसमें कि टमाटो सॉस को पूरे पीतल के बर्तन और मूर्तियों पे लगा देना है। आप देख रहे हैं मेरे बर्तन अच्छे खासे काले हैं, तो अब मैं सभी पर ये टमाटो सॉस ब्रश के माध्यम से लगा रही हूँ। अब देखते हैं ये वाला हैक काम करता है या नहीं। इसको भी मैं लगा के थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी, करीब 1-2 घंटे। पूरी जगह मैंने अच्छी तरीके से इसको मल दिया है। सबसे ज्यादा तो देखा जाए ये मेरा दिया बहुत ज्यादा काला हो रहा था, पता नहीं वो जम जाता है इसमें सब वो तेल वगैरह। अब हो रही है मंदिर की सफाई, जब तक वो 1-2 घंटे तक वैसे ही रहेंगे तब तक मैं मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ रिगड़ रिगड़ के। इस पर भी चांदी की तरह एक वर्क सा लगा हुआ है, लेकिन ये चांदी नहीं है, वैसे ही कुछ मटेरियल है, तो ये भी साफ हो जाता है इजीली। मैंने इसमें विम लिक्विड लगा के सबको अच्छे से मांज दिया, अब ये एंड में मैं इसको पोंछ रही हूँ। और जो सिंपल ऐसी मूर्तियां हैं उनको मैं पोंछ पोंछ के, सॉरी जो मूर्ति नहीं फोटोज हैं इनको पोंछ पोंछ के मैं रख रही हूँ। हाँ, तो ये फाइनल लुक है। बस अभी वो गोपाल जी वगैरह आने वाले हैं। हाँ, ये मैंने एक पीताम्बरी भी लिया है, थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ पीताम्बरी और ये टमाटो सॉस, इन दोनों से देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसमें खूब मलमल के लगा रही हूँ और वाकई रिजल्ट दिख रहा है, काफ़ी साफ हो गए ये भाई। ये वाला हैक तो सक्सेस है, तो आप भी आजमा सकते हैं। अपने पीतल के बर्तनों में आप टमाटो सॉस लगा दें, और पीताम्बरी हो तो करिए। मेरे ख्याल से टमाटो सॉस ने अपना काम कर दिया था, वो बहुत हाथ से रिगड़ने से ही सारा जो था मैल वगैरह वो सब आराम से इजीली वो कट गया, हट गया। थोड़ा बहुत मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया और हाथ का, पीतल के बर्तन अच्छे खासे चमक गए। इसके बाद मैं चांदी के देखती हूँ, इतना उबालने के बाद, क्योंकि अब की बार मैंने टुकड़े टुकड़े करके उसमें फॉइल पेपर डाला था, तो देखती हूँ क्या होता है। चलिए, दिया वैसे मेरा उतना नहीं चमका क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर तरफ से काला था, लेकिन हाँ फिर भी ओवरऑल वो काफी साफ हो गया। तो आइए अब करती हूँ मैं चांदी के बर्तन, देखती हूँ इनको थोड़ा घिसके। वैसे फॉइल पेपर को बजाय आप एकदम मुचड़ा करके डालने से अच्छा है कि उसको हाथ से फाड़ फाड़ के डालें इस तरह से, तो इससे तो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा कि बर्तन थोड़े वो सॉरी मूर्तियां थोड़ी सफेद हो गई। एकदम काले से तो ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है, क्योंकि इनकी बनावट ऐसे घुमावदार है, तो अंदर अंदर वो वाइट हो नहीं पाया, उतना हिस्सा वो काला ही रह गया। अब बस इनको अंदर बिठाना है, सब सामान रखना है, सजाना है। मेरा काम यहाँ पर आज यहाँ का खत्म हो गया, मंदिर चमचमा रहा है फाइनली, और भगवान जी भी। अब ये मैं ऊपर मेरे हॉल है जहां पर मैंने आपको याद हो तो अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, पीछे यही वाले पर्दे थे, तो आज बस ऊपर वाले हॉल के मैं पर्दे बचे हैं वो धोऊंगी। इतनी देर में देखिए मेरे पतिदेव मेरे लिए क्या बना कर लाए हैं। हाय, आप सभी से एक बात शेयर करनी थी कि मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और एक बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये जो मैंने चांदी की मूर्तियां जो थी लक्ष्मी गणेश और हनुमान जी की जो मैंने साफ करी थी वो वाइट तो हो गई थी, लेकिन अगर आप ये कहें कि जो सुनार वो चमका के देते हैं, जैसे चमक सी मारती है ना, वो चमक नहीं है उनमें, सिर्फ उनका वो मैल कट गया और वो वाइट ऐसी दिख रही है, लेकिन उनमें चमक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वो चमक चाहिए तो फिर मुझे शायद फिर कुछ और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, या फिर सुनार के पास जाकर के ही वो चमकवानी पड़ेंगी। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।